अस्सलामु अलैकुम, रोज न्यूज के साथ मैं हूँ हाफिज नजमो साकिब। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। IMF के साथ डील को पार्लियामेंट से मंजूर न कराया गया तो उसे कबूल नहीं करेंगे, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली इजलास में धुआंधार खिताब, हुकूमती मुआशी पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहते हैं पेट्रोल, बिजली और गैस हुकूमत की वजह से महंगी हुई, आवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। मस्बत तनकीद हुकूमत के मफाद में है, लोग मर रहे हैं और ये रोजे रोने भी नहीं देते। 18वीं तरमीम नहीं बल्कि हुकूमत की नाअहली से मुल्क दिवालिया हो रहा है। सिंध वाहिद सूबा है जिसने अपना टैक्स इकट्ठा किया। FIA का चीनी बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, लाहौर के इलाके जौहर टाउन से पाकिस्तानी खवातीन को शादी का झांसा देने वाले मजीद 11 चाइनीज को गिरफ्तार कर लिया गया। चीनी नौजवान मसीह खवातीन के साथ जालसाजी के साथ शादियां करते थे। एक और लीगी रहनुमा की तलबी, नैब ने राणा अफजल को साहिल प्राइवेट लिमिटेड की जारी इंक्वायरी के सिलसिले में 16 मई को तलब कर लिया। राणा अफजल खान को साहिल अस्पताल के डायरेक्टर की हैसियत से तलब किया जा रहा है। राणा अफजल नवाज शरीफ दौर में वजीर मुमलिकत बराए खजाना रह चुके हैं। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही, देखते रहिए रोज न्यूज।